वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपका। आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम, मेरे यानी ललित के साथ। यह है कतर का नंबर वन हिंदी एफएम रेडियो और हम आपके लिए लेकर आए हैं होम सारस प्रेजेंट्स ऑलिव अंताक्षरी सीजन वन। भाई क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। आज का ये जो दिन है ये बेहद ही खास है हम सब के लिए, हम सभी हिंदुस्तानियों के लिए खासतौर पर, क्योंकि देश जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है अपना 72वां स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे। और इसकी भी आप सभी को हमारी तरफ से, हमारी पूरी रेडियो ऑलिव टीम की तरफ से, और इनफैक्ट मेरे साथ में इस वक्त ऑलिव अंताक्षरी की टीम हमारे पास मौजूद है स्टूडियो में, हम सब की तरफ से आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए आज इस शुभ मुहूर्त पे, इतने अच्छे मौके पर, इतने अच्छे ओकेजन पर, आज फिनाले है, ग्रैंड फिनाले है ऑलिव अंताक्षरी सीजन वन का। हमारे दोनों फाइनलिस्ट इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, मेरे ठीक सामने बैठे हैं ईशा अपनी टीम के साथ। नमस्ते दोस्तों, मैं ईशा, मेरे साथ आज मेरे चार दोस्त आए हैं जिनका नाम है मुग्धा, हिमांशु, देवांशी, अनिरुद्ध। वाओ, तो चार लोगों की टोली आप लेके आए हैं। अच्छा, मुग्धा जी पहली बार आ रहे हैं आपके साथ। हाँ, अभी तक के मुकाबले में। हाँ जी। लेकिन मुग्धा जी के साथ में एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी जुड़ी है। हाँ, थोड़ा सा बताएं हमारे तमाम सुनने वालों को। एक्चुअली मुग्धा ने मेरे को ये कॉम्पिटिशन चल रहा है उसके बारे में बताया था। मतलब जब स्टार्ट हो रहा था तब शी वॉज इन इंडिया और वो रात रात भर 11:30 बजे तक वो ईयरफोन्स डाल के मेरा शो पूरा सुनती थी स्टार्ट टू फिनिश। और वो जब अभी बस दो दिन पहले, कल ही आई है इनफैक्ट यहाँ पे कतर में, तो वो जैसे है मैं बोली मैं नहीं जानती तेरे को आना है यहाँ पे, एंड हर हस्बैंड आल्सो टुक लीव सो दैट शी कुड कम हियर। तो या दैट्स अबाउट हर। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी चीज है कि मुग्धा जी ने आपको यहाँ भेजा, और देखिए ना वो भेजते ना आप यहाँ पर होते। तो बहुत बड़ा रोल है उनका। मुग्धा जी बहुत बहुत शुक्रिया जो इतने अच्छे हमारे पास में कंटेस्टेंट आपने भेजे जो कि फाइनल तक भी पहुंच रहे हैं। क्या बात है। एक बात बताइए ईशा, मुग्धा जी खुद कैसे गाने में है, गाने में कैसे है? अरे शी इज फैबुलस, यू शुड हियर हर एक्चुअली। मैं अभी सुनूंगा लेकिन मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूंगा, शुक्र है कि वो इंडिया में थे। शुक्र है कि वो इंडिया में थे इसलिए आप फिनाले में हैं, वरना कड़ी टक्कर हो सकती थी। राइट एग्जैक्टली। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ईशा सबसे अच्छी, मतलब मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट है ये हॉट सीट के लिए। हाँ जी। और मैं बहुत खुश हूँ कि वो मेरी फ्रेंड यहाँ पे बैठी है, और वो जीत जाए इसका मतलब मैं ही जीत गई है। सही है, इतनी खुशी होने वाली है। यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए आई हूँ मुग्धा जी। लेकिन हम चाहेंगे दो लाइन आपकी हो जाए, सुना दीजिए आप कुछ ताकि उसकी शुरुआत हम करें फिर। अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिले है कौन सी, न वो समझ सके न हम। भाई क्या बात है, पता आपने मेरा फेवरेट गाना गा दिया है, दिल जीत लिया है आपने शुरुआत में ही। थैंक यू सो मच माहौल को इतना खूबसूरत बनाने के लिए। ईशा वापस आपके पास आते हैं, अभी तक आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मैं इनफैक्ट आपके सेमीफिनाले के बारे में कल किसी से जिक्र करा था और बहुत लोगों को वो पसंद आया है, काफी अच्छा रिस्पांस आया है। फिर से मैं वही सवाल पूछता हूँ, क्या लग रहा था कि फिनाले तक पहुंचेंगे? मतलब सपनों में भी नहीं सोचा था ऐसा हो सकता था। और अब पहुंच चुके हैं तो कैसा लग रहा है? आई एम ऑन 9th क्लाउड ऑलरेडी। क्या तैयारियां है, क्या स्ट्रेटेजी है, कुछ प्लानिंग की है सब दोस्तों ने मिलकर? कुछ प्लानिंग तो नहीं, लेकिन हाँ सबने अपने अपने हिसाब से, मतलब जो जो जानते हैं वो सब हम लोग यूज करेंगे और मजे करेंगे बेसिकली यहाँ पे आके। क्या बात है। तो टीम ईशा को रेडियो ऑलिव टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट है। हमारी दूसरी टीम की तरफ चलते हैं, मॉमी जी के साथ में। उनके साथ में कौन कौन उनके सपोर्टर्स आए हुए हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मॉमी जी स्वागत है आपका। नमस्कार रेडियो ऑलिव सुनने वालों को, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मॉमी है और मैं अपने साथ लाई हूँ मेरे हस्बैंड और मेरी फ्रेंड। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सौरव, आई एम हियर टू सपोर्ट मॉमी एंड फॉर मी शी इज मोस्ट डिजर्विंग राइट नाउ। हाय एवरीबॉडी, मैं रश्मि हूँ, मैं मॉमी की फ्रेंड हूँ और उनको सपोर्ट करने के लिए उनका साथ देने आई हूँ अंताक्षरी में। बहुत ही खूब। सो मॉमी जी भी आज पूरा सोच समझ के अपनी टीम को लेकर आई है, लेकिन मैं मॉमी जी बताना चाहूंगा आपको, ये जो सामने कुख्यात टीम बैठी है आपकी, हाँ ये बहुत पहुंचे हुए लोग हैं। अभी तक इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा है कि ये ना धो धो के इन्होंने पॉइंट्स हासिल करें और सामने वाली टीम को पछाड़ा है पूरी तरह। इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझना मैं कहीं से भी आपका कॉन्फिडेंस ऐसा डाउन करने की, मोरल डाउन करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको भी बताना चाहूंगा क्योंकि मॉमी जी यहाँ पर है तो इसका मतलब वो भी आप ही की तरह बाकी टीम को हरा कर यहाँ पर पहुंची है। लेकिन यहाँ पर मामला जो है वो जबरदस्त होने वाला है। लेकिन एक हाँ, एक चीज बहुत अच्छी है, मैंने मॉमी जी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट की थी उनसे यहाँ पर आने से पहले, और उन्होंने आई बिलीव उन्होंने वो रिक्वेस्ट मेरी मान भी ली है, पूरी भी की है, अभी पता चल जाएगा। मॉमी जी आज जैसे कि हिंदुस्तान जो है अपना 72nd जो इंडिपेंडेंस डे है वो सेलिब्रेट कर रहा है, मैं चाह रहा था कि शो की हम शुरुआत करें और मैंने आपको एक अपनी पसंद का एक गाना आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप अगर वो गाना गा पाए तो। जरूर जरूर।
ठीक है, उस गाने के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए तमाम सुनने वालों को, हो सकता है कई सारे लोग ऐसे हों जो पहली दफा उस गाने को सुनने वाले हों। जरूर, ये गाना है रविंद्रनाथ टैगोर जी का लिखा हुआ एकला चलो रे, विच इज अ इंस्पिरेशनल एंड द मोटिवेशनल सॉन्ग। जदि तोर डाक सुने केउ ना आशे तबे एकला चलो रे, जदि तोर डाक सुने केउ ना आशे तबे एकला चलो रे, একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি কেউ কথা না কয় ওরে ওরে ও ভাগা, কেউ কথা না কয় যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয়, যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয়, তবে পরাণ খুলে তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। मामा जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा पसंदीदा गाना जो है उसे गुनगुनाया है। रविंद्रनाथ टैगोर साहब के बारे में भी कुछ दिन पहले ही मैंने एक एपिसोड किया था और तब मैंने इस गाने को सुना भी था, सुनाया भी था, और मुझे वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। कितना अच्छा माहौल है, कितनी पॉजिटिविटी आई है इस गाने से। लेकिन कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनको इस गाने का भी मीनिंग नहीं पता होगा, मैं चाहूंगा चंद अल्फाजों में अगर आप इसके मायने समझा सकें कि क्या कहना चाहते हैं इस गाने के अंदर। ये यही बोलते हैं कि अगर कभी भी जिंदगी में अगर आप अकेले हो, अगर आपके साथ कोई भी नहीं है, तो आप हिम्मत ना हारे और आप चलते जाएं, आप श्योर अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। एकला चलो अपनी आवाज सुनिए, अपने दिल की आवाज सुनिए और खुद ही निकल पड़िए। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, और हम सबको ही इसी सिद्धांत पे अगर काम करने की जरूरत पड़े तो बिल्कुल करना चाहिए। आखिरकार जिंदगी हमारी है, फैसले हमारे हैं, और जो हासिल करेंगे वो भी तो हम ही हासिल करेंगे। लेकिन आज ऑल इन अंताक्षरी सीजन 1 में किसके हिस्से में पहुंचेगी जीत वो पता चल जाएगा कुछ ही घंटों में। लेकिन अभी फिलहाल के लिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा वार्म अप हो सके, यहाँ पर थोड़ी स्ट्रेटजीज पर बात कर सकें, और उसके बाद आज का पहला राउंड जो होगा शुभारंभ, उसका शुभारंभ करेंगे। तो आपकी दोनों ही फेवरेट टीम्स इस वक्त फिनाले में है, ग्रैंड फिनाले में मौजूद है। आप इनमें से जिस भी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं उनकी सपोर्ट में आप मैसेज भी लिख सकते हैं और दिली दिल आप दुआ भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मॉमी की टीम जीतनी चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं मॉमी के नाम से। अगर आपको लगता है ईशा आपकी फेवरेट टीम है तो आप ईशा का नाम लिखकर हमें भेज सकते हैं हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप पर। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर जो है वो है 3311106 3। एक बार फिर से बता देता हूँ, 3311106 3। जो भी आपकी फेवरेट टीम है उसको सपोर्ट करने के लिए आप उनका नाम लिखकर हमें भेजें। जितना ज्यादा सपोर्ट आएगा उतनी ज्यादा पॉजिटिविटी आएगी, उतना ज्यादा स्ट्रेंथ इन टीम को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए बातों के सिलसिले को यहां थामते हैं, सीधा राउंड्स की शुरुआत करते हैं। आपसे जो ये राउंड है शुभारंभ, ये अनजान नहीं है ना, आप इससे अनजान है, अच्छे से पता है। शुभारंभ में हम आपके लिए सवालों की सीढ़ी लेकर आते हैं जिसमें चार अलग अलग सवाल रहेंगे। हर एक सवाल पर 10 पॉइंट्स मिलते हैं, पहले 3 सवाल पर 30 पॉइंट्स रहते हैं, लेकिन जो चौथा सवाल है जो कि गेम बदलने का दम रखता है वो 20 पॉइंट्स का आता है। तो रूल्स सबको पता है, किसी को किसी तरह का कोई डाउट हो, कोई भी सवाल हो, आप अभी पूछ सकते हैं। नहीं तो चलिए इस शुभ मौके पर जब हिंदुस्तान अपना 72वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और हम मना रहे हैं यहां पर रेडियो ऑल इन अंताक्षरी का ग्रैंड फिनाले, इसके सबसे पहले राउंड की शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से चाहूंगा आप जोरदार तालियां बजा लें अपने लिए, और इसी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में हम शुरू करने जा रहे हैं आज का सबसे पहला राउंड जिसका नाम है शुभारंभ। जी हाँ जी, शुभारंभ इसका नाम है, और शुभारंभ में क्या लेकर आए हैं हम आपके लिए? सवालों की सीढ़ी। बिल्कुल सही, सवालों की सीढ़ी। सवालों की सीढ़ी का सबसे पहला सवाल मैं आप दोनों टीम्स तक पहुंचाने वाला हूं। तैयार हैं आप दोनों? बहुत ध्यान से सुनिएगा जो सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूं, और पहले की ही तरह आज भी जिसको भी आपको पता है इसका आंसर क्या है आपको बजर बजाना है, और जैसे ही आप बजर बजाते हैं तो आपके पास 10 सेकंड का जो समय है वो शुरू हो जाएगा। उस 10 सेकंड में आपको सही जवाब देना है। विश यू ऑल द बेस्ट। सवालों की सीढ़ी का सबसे पहला सवाल जो आ रहा है आप तक वो है, आपको किन्हीं दो ऐसी फिल्मों के नाम बताने, ये हिंदी फिल्म्स होनी चाहिए, आपको किन्हीं दो ऐसी फिल्मों के नाम बताने हैं जो कि प्रेम त्रिकोण यानी कि लव ट्रायंगल पर बेस्ड हो। भाई क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, मॉमी ने बजर बजा दिया है यानी कि गेम में शुभारंभ कर लिया है। मॉमी आपका 10 सेकंड का जो समय है वो शुरू होता है अब। आपको दो ऐसी फिल्मों के नाम बताने हैं जो कि लव ट्रायंगल यानी प्रेम त्रिकोण पर आधारित हो। साजन,
मैं प्रेम की दीवानी हूँ जीत। क्या बात है साजन, मैं प्रेम की दीवानी हूँ और जीत, बिल्कुल सही जवाब है, लव ट्राइंगल था। जीत में कौन कौन था? जीत में सनी देओल, सलमान खान, करिश्मा कपूर। क्या बात है, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, करीना कपूर, ऋतिक रोशन, अभिषेक बच्चन। और साजन? माधुरी दीक्षित, संजय दत्त, सलमान खान। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, कांग्रेचुलेशंस। तो मौमी के लिए तो शुभारंभ में शुभारंभ हो चुका है, पहले सवाल का सही जवाब देकर इन्होंने 10 पॉइंट की बढ़त हासिल कर ली है। लेकिन अभी भी वक्त है, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है सवालों की सीढ़ी का। दूसरा सवाल क्या है ये जानने के लिए, सुनने के लिए तैयार हो जाइए आप लोग। अब आपको बतानी है कोई भी तीन ऐसी फिल्मों के नाम, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी तीन ऐसी फिल्मों के नाम आपको बताने हैं जो कि देशभक्ति पर आधारित हो। भाई क्या बात है, एक बार फिर से मॉमी ने बजर बजा दिया है। मॉमी आपका 10 सेकंड का समय शुरू होता है अब। द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, हाँ जी, शहीद, हाँ जी, शहीद आजम। क्या बात है, जोरदार तालियां। एक बार फिर से इस सवाल का सही जवाब देकर मॉमी ने 10 और पॉइंट्स की बढ़त हासिल कर ली है। इसका मतलब इस वक्त मॉमी 20 पॉइंट्स पर मौजूद हैं। ईशा का खाता अभी खुलना बाकी है। ईशा कहां चूक हो रही है? मैं बहुत जल्द पूछ रहा हूं लेकिन फिर भी मेरी उत्सुकता है, मैं जानना चाहता हूं कहां चूक हो रही है। I don't know, बजर दबाने में थोड़ा लेट कर रही हूं मैं। Okay, मैं लेकिन आपको बताऊं जितना मैं देख पा रहा हूं और सुन पा रहा हूं, पॉइंट भर की देर हो रही है सिर्फ। अगर आप थोड़ा सा और फुर्ती दिखाएंगे तो हो सकता है आप पहले बजर बजा दें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बजर बजाना ही है, सवाल का जवाब भी आना जरूरी है। सवालों की सीढ़ी के तीसरे सवाल के लिए तैयार हैं आप? चलिए बहुत ही बढ़िया, ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मेरा फेवरेट है ये सवाल, अगर मैं सवालों की सीढ़ी की बात करूं तो, क्योंकि इसमें आपको दो ऐसी फिल्मों के नाम बताने हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, 10 पॉइंट्स या तो मॉमी जी को मिल सकते हैं या फिर ईशा 10 पॉइंट से अपने खाते की शुरुआत करेंगे। तो दो ऐसी फिल्मों के नाम आपको बताने हैं जो कि किसी की असल जिंदगी पर आधारित हो। एक बार फिर से मैं कहूंगा जोरदार तालियां मॉमी के लिए। मॉमी ने आज ठान लिया है, ठान के आए हैं कि इस राउंड में बढ़त हासिल करके ही रहेंगे, बजर पर उनका हाथ बिल्कुल टटा हुआ है। मॉमी सवाल था कोई भी दो ऐसी फिल्मों के नाम जो कि किसी असल जिंदगी पर आधारित हो, यानी कि बायोग्राफी मूवी हो। दो फिल्मों के नाम, आपका समय शुरू होता है अब। संजू, दंगल। दंगल, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। वैसे तो सब जानते हैं लेकिन संजू किसकी लाइफ पर आधारित थी? संजय दत्त। और दंगल? दंगल फोगत सिस्टर्स। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, जोरदार तालियां। भाई उनमें कहते हैं कि फिल्म में हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या? यहाँ पर दोनों ही छोरियां हैं और दोनों ही कम नहीं है। मम्मी जी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा 30 पॉइंट्स की लीड ले ली है आपने पहले ही राउंड के अंदर, लेकिन यही इस राउंड की खूबसूरती है। लास्ट में आता है इसमें एक बम्पर सवाल, जैसे कि मैं चैलेंज भी कहता हूं, अगर इस सवाल का जवाब आप दे जाते हैं तो सीधा 20 पॉइंट्स मिलते हैं। तो इस वक्त दो सिचुएशन बन रही है, इनफैक्ट बनती तो तीन है लेकिन दो की मैं खासतौर पर बात करूंगा। मॉमी इस वक्त 30 पॉइंट्स पर है, अगर मॉमी ने अगले सवाल का भी सही जवाब दिया तो वो 50 पॉइंट्स से पहले ही राउंड में लीड पर ले जाएंगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ईशा अगर सही जवाब दे तो ये जो मार्जिन है 30 पॉइंट्स का, ईशा इसे आप कम करके 10 पॉइंट्स पर ले जाएंगे क्योंकि 20 पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है, मैं कहूंगा अपनी हिम्मत बटोरिए, ध्यान रखिए बजर पर और तैयार हो जाइए सवालों की सीढ़ी के इस आखिरी सवाल के लिए, जिसे हम बम्पर सवाल भी कहते हैं। तैयार हैं आप? इसमें गाना गाना होगा इसके अंदर, बहुत ध्यान से सुनिए इस सवाल को। तो सवालों की सीढ़ी का आखिरी सवाल कहता है कि आपको एक ऐसा गाना गाना है जिसमें देशभक्ति का जिक्र हो। भाई क्या बात है, फाइनली ईशा ने बजर बजा दिया है, ईशा देशभक्ति का एक गाना गाना है आपको। आपका वक्त शुरू होता है अब। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना, अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बनके पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बनके पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं।
मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था, हालांकि गाना तो देशभक्ति का था, मुझे ऐसा लग रहा था तुम मैसेज देना चाह रही हो कुछ। लेकिन मैंने कहा ना, जैसा कि इस राउंड की खूबसूरती ही यही है, जहां पर एक और ईशा 30 पॉइंट से पीछे चल रही थी, मॉमी 30 पॉइंट से लीड कर रही थी, अब वो लीड का जो मार्जिन है वो कम हो चुका है, वो 30 से 10 पर आ गया, क्योंकि ईशा ने 20 मार्क्स के लिए इस सवाल का सही जवाब दिया। एक बार जोरदार तालियां। तो अगर इस राउंड के आखिर में मैं पॉइंट टेबल पर नजर डालूं, तो मैं बताना चाहूंगा इस वक्त मॉमी जो हैं वो 30 पॉइंट्स पर मौजूद हैं और ईशा जो हैं वो 20 पॉइंट्स पर मौजूद हैं। इसका मतलब मॉमी जी आप अभी भी 10 पॉइंट्स से लीड कर रहे हैं, जो कि वाकई में बहुत अच्छी बात है। ईशा, खासतौर पर आपसे मैं कहना चाहूंगा, कोई है जो इस वक्त आपसे मिलना चाहता है? अच्छा जी। शो चल रहा है, ग्रैंड फिनाले चल रहा है, लेकिन उनकी खासतौर पर एक रिक्वेस्ट आई हमारे पास कि हम फाइनल में जो है, उन्होंने 2-3 दिन पहले से ही हमें कह दिया था कि जब ईशा फाइनल में परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर आएगी तो मैं उनसे मिलना चाहूंगी। तो गेस कर सकते हैं कौन हो सकता है? आपका अब बहुत बड़ा चाहने वाला या वाली है वो, और बहुत पसंद करती है, उनकी बहुत सपोर्ट है आपके साथ वैसे भी। हर्षा जी अगेन? नहीं, आप डाउटफुल लग रहे हैं मुझे। नहीं, हर्षा जी हो सकते हैं, क्योंकि वो लास्ट टाइम भी उन्होंने बहुत अच्छे से मेरे को सपोर्ट किया था, एंड मुझे शी सेड सो इंस्पिरेशनल थिंग्स। चलिए देख लेते हैं कि ईशा ने गेस किया है कि हर्षा होगी, हो सकता है कोई और भी हो, चेक कर लेते हैं। हम उन्हें बुलाते हैं, इस वक्त वो स्टूडियो के ठीक बाहर है, हम उन्हें इन्वाइट करना चाहेंगे। 3-2-1 के साथ स्वागत करते हैं हम हमारी अपनी आरजे हर्षा का। By the way, मैं सुन रही हूँ अंताक्षरी, बहुत अच्छा साउंड कर रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। So all the very best once again. So game अभी राउंड और भी होंगे, so कुछ भी हो सकता है, आई नो यू विल रॉक इट। और आज जो मेन ऑल इन अंताक्षरी सीजन 1 है, इसका फाइनल का जो खिताब है, जो ट्रॉफी है, वो आप ही लेकर जाओगे। थैंक यू सो मच। इस वक्त का जो पॉइंट टेबल है हर्षा, वो ये कह रहा है कि टीम मॉमी जो है वो 30 पॉइंट पर है, टीम ईशा जो है, मैं टीम हर्षा कह रहा था, एक ही बात है। तो टीम ईशा जो है वो 20 पॉइंट पर है, अभी एक राउंड हो चुका है। हाँ, तो एक ही तो राउंड हुआ है। हाँ, कुछ भी हो सकता है। वैसे मानना पड़ेगा लास्ट टाइम इनकी जो दुआएं थी, जो सपोर्ट था, उसने काम किया। हाँ, और आप फाइनल में है। हाँ, आज भी ये सपोर्ट कर रही है। हाँ जी, और बहुत मजा आ रहा है, वैसे आप लोग भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, सो ऑल द वेरी बेस्ट आपको भी। पर होता है ना, थोड़ा सा जुकाम है, तो बस आप समझ जाए। हमारी अपनी आरजे हर्षा, बॉलीवुड क्वीन, इनका मन था, इनके दिली तमन्ना थी कि मैं एक बार विजिट करूं स्टूडियो में जब फिनाले चल रहा होगा, और अपनी फेवरेट कंटेस्टेंट, अपनी फेवरेट फाइनलिस्ट ईशा से मिलने के लिए वो चलते हुए शो में आ गई है अचानक से। कैसा लगा ईशा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा। आप सुनते हैं हर्षा का शो? हाँ जी। क्या नाम है शो? द बॉलीवुड शो। भाई क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलिए, ये तो मेल मिलाप हो गया आप दोनों का, सखी सहेलियों का। हाँ जी। सपोर्ट भी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन इन सब के बीच में हम ये नहीं भूलेंगे कि आज जो है हिंदुस्तान जो है वो अपना 72वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, देशभक्ति का थोड़ा सा माहौल। और जितने भी लोग इस वक्त सुन रहे हैं, मैं आपको खास तौर पर बताऊंगा, आप देख तो नहीं पाएंगे अभी फिलहाल के लिए, ईशा जो है वो एक ट्राई कलर का एक दुपट्टा टाइप का उन्होंने कुछ ऐसा लपेटा हुआ है, और बहुत ही खूबसूरत वो लग रहे हैं इस वक्त, देशभक्ति की भावना से ओत प्रोत है इस वक्त पे वो। तो मैं कह रहा हूँ, जब माहौल बन ही रहा है और आपने इतना खूबसूरत माहौल बना ही रखा है, तो क्यों ना एक देशभक्ति का गाना हो जाए आपकी टीम की तरफ से। जरूर। कौन सा गाना गाएंगे? कर्मा मूवी का। ओए होए, दिल दिया है जहाँ भी देंगे। ओए होए होए होए, चलिए जी शुरुआत कीजिए। हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। ये जब हम छोटे थे, जब डॉक्टर डैंग हमें याद है इस फिल्म से, और डॉक्टर डैंग के अलावा हमें ये गाना याद है, कर्मा फिल्म मतलब दिल दिया है जहां भी देंगे। एग्जैक्टली। हाँ, ये गाने वाकई में ऐसे हैं जो कि हमें अचानक से, अभी आप यहाँ बैठे हुए हैं, हिंदुस्तान को मिस करते हैं आप यहाँ पर? बहुत बहुत बहुत। इंडिया से दूर रह के और ज्यादा मिस करते हैं इंडिया को। क्या याद आता है सबसे ज्यादा? आई गेस पानीपुरी। पानीपुरी याद आती है भैया, वो बस वहाँ पे वो जो ट्रेडिशनल तरीके से जो मिलती है, वो यहाँ पे वो वाला स्वाद नहीं आता। हाँ। मुझे भी नहीं आता। हाँ, है ना, जगह जगह गया हूँ लेकिन मिला कहीं नहीं वैसा कुछ भी, है ना। लेकिन ईशा, मैं एक एक सेंटेंस बोलता हूँ अभी, ठीक है? खास तौर पे वहाँ पर एक जगह पे मैं उसे छोड़ूंगा, आपको उसे पूरा करना है। जो दिल से पहली चीज निकल कर आती है वो आपको बतानी है। ईशा, आपको बोलना है,
I'm proud of my India because of unity, diversity, culture. अनेकता में एकता जो बोलते हैं वो उन सब बात है। बहुत ही बढ़िया, इस बात पे एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बाकी भी यार हम सभी को अपना मुल्क याद आता है, अपना देश याद आता है और खासतौर पर आज के दिन हिंदुस्तान बहुत याद आता है। चलिए इस सिलसिले को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, हम दोनों आपस में जरा हिंदुस्तान की बातें करते हैं। तब तक आप एक बढ़िया वाला गाना सुनिए, एंजॉय कीजिए और उसके बाद जब वापस लौटेंगे तो हम आज का अपना दूसरा राउंड शुरू करेंगे आपके साथ, जिसका नाम रहेगा धुन साहिबा धुन। धुन साहिबा धुन, जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि इसमें एक धुन सुनाई जाएगी, एक ट्यून सुनाई जाएगी गाने की, जिसे आपको सुनकर पहचानना है। पहचान जाते हैं तो बजर बजाना है, बजर बजाने के बाद 10 सेकंड का समय है, उस 10 सेकंड के अंदर आपको वो सही गाना गाना है। तैयार हैं आप? जी। तो धुन साहिबा धुन की सबसे पहली धुन आती हुई आप तक। जी, इस वक्त टीम ईशा ने पहले बजर बजा दिया है और देखते हैं कि क्या इस 10 सेकंड का जो वक्त इनके पास है इसको वो सही सही यूटिलाइज कर पाएंगे। ईशा, आपका 10 सेकंड का समय शुरू होता है अब। हो एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे मन में ही मरंग, जैसे चांदनी रात, जैसे नरमी की बात, जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया। हो एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। चक्कर क्या है कि आप गाना इतना अच्छा गा रहे थे, इतना धुन में गा रहे थे कि मेरा मन नहीं करा आपको बीच में रोकने का, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि थोड़ी सी भी मिस्टेक नहीं कबूल की जाएगी। okay. तो यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ हो चुकी है। ठीक है, टीम मॉमी को यह मौका मिलता है अगले 10 सेकंड के अंदर शुरू करने का। अगर वो इन्होंने जो गलती करी उस गलती को सही कर इस गाने का जो लिरिक है, बेसिकली गीत जो है, उसे सही गा देते हैं तो ये 10 पॉइंट के लिए आपकी तरफ चले जाएंगे। और मॉमी, आपका समय शुरू होता है अब। लड़की को देखा तो ऐसा लगा से खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे चिली किरण, जैसे वन में हिरण, जैसे चांदनी रात, जैसे नगमी की बात, जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया। हो एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। बहुत ही बढ़िया, आपने एकदम सही गाना ये गा दिया है। और मॉमी, इसी के साथ इस राउंड में भी 10 पॉइंट के साथ आपकी शुरुआत होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो छोटी सी मिस्टेक बेसिकली टीम ईशा की तरफ से हुई थी वो यही थी, जैसे नगमे की बात, और इनकी तरफ से जो वो छोटी सी गलती हुई थी वो हुई थी नरमी की बात, जो कि सही था नगमे की बात, जो कि आप लोगों ने गा दिया है। टीम मॉमी, कांग्रेचुलेशंस, ये 10 पॉइंट से आपने एक बार फिर से बढ़त ले ली है इस राउंड में। लेकिन अभी आगे और भी धुन आनी बाकी है। बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप लोग भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। आगे की जो धुन है उस तक हम बढ़ते हैं। अगली धुन के लिए तैयार हैं आप दोनों? जी बिल्कुल। तो चलिए अगली धुन की तरफ बढ़ते हैं। बजर्स पर ध्यान रखिए, सही बजर और सही जवाब आपको दिलाएगा 10 पॉइंट। यहां पर मैं बताना चाहूंगा, मॉमी ने पहले बजर बजा दिया है, आई एम श्योर आपने धुन पहचान ली होगी, और अगर धुन पहचान ली है तो आपके 10 सेकंड का जो समय है मॉमी वो शुरू होता है अब। कुछ खास है, कुछ पास है, कुछ अजनबी एहसास है, कुछ दूरियां नजदीकियां, कुछ खस पड़ी तन्हाइयां, क्या ये उमार है, क्या ये दुबार है, क्या ये प्यार है, प्यार है शायद। चलिए बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त, आप 10 पॉइंट और अर्जित करते हैं मॉमी इस राउंड में भी। लेकिन अभी भी ईशा, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसी राउंड में दो धुन और बाकी है जो कि टोटल 30 पॉइंट्स की है। अगर आप सही धुन गा देते हैं तो ये 30 पॉइंट्स आपके हो सकते हैं, मतलब कि फिर उस केस में आप और मॉमी दोनों ही 50 पॉइंट्स पर पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर ये अगले 30 पॉइंट्स भी मॉमी ने ले लिए तो सिचुएशन टफ हो सकती है। तो चलिए अगली धुन के लिए तैयार हैं आप दोनों? हाँ जी बिल्कुल। क्या बात है, चलिए अगली धुन सुन लेते हैं एक बार, कौन सी धुन है ये?
ईशा ने पहले बजर बजा दिया है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, एक बार ताली हो जाए। लेकिन ईशा आपका 10 सेकंड का जो समय है वो शुरू होता है अब। तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है, क्या करूँ हाय। बात फिर से वही आ जाती है कि आप गाते इतना अच्छा है ना कि मेरा रोकने का बीच में मन नहीं करता है। सीरियसली कुछ कुछ होता है, वाकई में कुछ कुछ हो रहा था, लेकिन मेरा फर्ज बनता है भाई। देखिए सीट पे बैठा हूँ तो आपको बता दूं कि ये जो गाना है वो पूरा के पूरा गाना ही गलत है, गाना ही गलत है। और इस तरह से टीम मॉमी के पास एक और मौका आता है, अगर वो उस गाने को पहचान पाए और सही गा पाए तो उनको ये 10 पॉइंट मिल जाएंगे। मॉमी आपका 10 सेकंड का समय शुरू होता है अब। लड़की बड़ी अनजानी है, सपना है सच है कहानी है, देखो ये पगली बिल्कुल ना बदली, ये तो वही दीवानी है। हो हो हो, क्या बात है भाई, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। आज तो मतलब मॉमी जो है वो फुल फॉर्म में है, मतलब क्या कर क्या रहे, मतलब क्या खा के आया आज, आज चक्कर क्या है, आज मतलब मेरा आज मेरा उपवास है, आज आपका उपवास है। ओ मतलब उपवास में ये हाल है, अगर खा के आते हैं तो मेरे को लग रहा है पता नहीं क्या करने वाले थे आज। तूफानी पारी खेल रहे हो यार इस बार, लेकिन फिर से जो इतिहास है आज के फर्स्ट राउंड का वो अपने आप को दोहरा रहा है। पहले राउंड में यह हुआ था कि पहले 3 सवालों का सही जवाब मॉमी ने दिया था, और जो चैलेंज राउंड था, जो बम्पर सवाल था, उसका सही जवाब देकर आपने लीड कम कर ली थी। एक बार कहीं फिर से वैसा ही तो नहीं होने वाला है, क्योंकि इस बार भी लगातार 3 धुन मॉमी ने सही पहचानी है, लेकिन अब बम्पर धुन आ रही है। तैयार हैं आप दोनों? ईशा एक बार फिर से हो सकता है कि शायद आप इस धुन को पहचान ले और फिर से 20 पॉइंट्स इसमें हासिल कर लें। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि अभी भी इस गेम में बहुत मसाला बाकी है, इसके बाद भी 100 पॉइंट्स के लिए ये गेम बरकरार रहने वाली है। तैयार हैं आप दोनों? हाँ। चलिए आप तक पहुंचती हुई आज की बम्पर धुन। एक बार फिर से टीम मॉमी ने, क्या बात है, मतलब 20 पॉइंट्स के लिए इस धुन के लिए उन्होंने बजर पहले बजा दिया है। चलिए देख लेते हैं कि अगले 10 सेकंड के अंदर ये उसका सही जवाब दे पाते हैं या नहीं। मॉमी आपका 10 सेकंड का समय शुरू होता है अब। तुम ही देखो ना ये क्या हो गया, तुम्हारा हूँ मैं और तुम मेरे, मैं हैरान हूँ तुम्हें क्या कहूँ, कि दिन में हुई कैसी चांदनी, जागी सी है फिर भी ख्वाबों में है, हुई खोई रोशनी, तुम ही देखो ना ये क्या हो गया, तुम्हारा हूँ मैं और तुम मेरी। क्या बात है, जोरदार तालियां। मॉमी ये क्या कर रहे हो आप, सामने वाली टीम को थोड़ा सा तो मौका दे दो, ऐसे कैसे चलेगा काम। नेक्स्ट राउंड उन्हीं के लिए छोड़ा है। अच्छा इसलिए आप आपको पता है कि नेक्स्ट राउंड वो करने वाले हैं, तो इसलिए आपने कहा पहले अपना काम निपटा लूं। बहुत ही शानदार खेला है आपने। सीरियसली इस राउंड के सभी सवालों का यानी सभी धुनों का सही जवाब देकर 50 आउट ऑफ 50 आपने इसमें अर्जित किए हैं। तो अगर मैं पॉइंट टेबल पर नजर डालूं तो पिछले राउंड को और इस राउंड को मिलाकर, दोनों राउंड्स को मिलाकर आपने 80 पॉइंट्स आउट ऑफ 100 कमा लिए। क्या बात है ईशा, यहीं पर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अभी फिलहाल तो आप 20 पॉइंट्स पर हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि अभी भी 2 राउंड्स बाकी हैं पूरे 100 पॉइंट्स के लिए। तो जितना ज्यादा आप अर्न कर सकते हैं पॉइंट्स उतना ज्यादा करिए। और आई डोंट नो आज क्या हो रहा है, वैसे हो क्या रहा है आज, क्या लग रहा है, मैं उस ईशा को नहीं देख रहा हूं आज जिस ईशा ने पिछले 2 राउंड में एक तरफा जीत हासिल करी है। जी पता नहीं, मतलब वो बोलते हैं ना दिन दिन का काम करती है, आज मैं फिलहाल मतलब बहुत ज्यादा ओवर प्रिपेयर्ड होके आई हूँ शायद, तो जब मतलब आई डोंट नो बजर बजाने में एक तो बहुत गड़बड़ कर रही हूँ, तो आई गेस वो थोड़ा थोड़ा इफेक्ट कर रहा है अभी फिलहाल।
चलिए, लेकिन अभी भी मैं वही कहूंगा कि कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी जीतने के लिए 100 पॉइंट्स पूरे बाकी हैं और आपकी टीम बहुत स्ट्रांग है, मुझे यकीन है। ठीक है, यहाँ चल रहा है ग्रैंड फिनाले। टीम मॉमी टीम ईशा दोनों इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है स्टूडियो में। माहौल थोड़ा सा गर्मा रहा है यहाँ पर, क्योंकि मॉमी जो है वो 80 पॉइंट से लीड कर रही है, ईशा अभी 20 पॉइंट पर है, तो टेंशन तो होगी थोड़ी सी। हाँ जी, है ना। मैं समझ सकता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले हर्षा आपसे मिलने के लिए आई थी। हाँ। मुझे लगा था उसके बाद वो थोड़ा सा ऐसा सपोर्ट करके गई है, तो कुछ तो आज तो भानी होगा, लेकिन अब आगे होगा। हाँ। इस बीच में मॉमी मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप इतना अच्छा खेल रहे हैं और रेडियो पे आपको काफी लोग सुन रहे हैं, जिनमें से कुछ खास लोग हैं जो हमारे दिल के बहुत करीब हैं, वो इस वक्त आपसे मिलने की थोड़ी सी जिद पकड़ के बैठे हैं कि हमें मॉमी से मिलवा दो एक बार। क्या कहते हैं, अगर आपकी इजाजत होगी तभी उन्हें बुलाएंगे? बिल्कुल। क्या लगता है कौन हो सकता है वैसे, वैसे एक अंदाजा थोड़ा बहुत? आरजी नीति। सबके नाम ले देंगे। अच्छा, सिमरन, वही मैं कहता हूँ कि वो दो लोग, आपने भी नीरज और प्रियंका भी बोला अभी, लेकिन मैं कहना चाहूंगा इस वक्त वो दो लोग जो इस वक्त स्टूडियो में एंट्री करने वाले हैं, वो लोग हैं जो कि कतर की पूरी शाम को वो चलाते हैं। जी हाँ जी, जोरदार तालियों से स्वागत करिए आरजे नीरज और आरजे प्रियंका का। अंताक्षरी सुन रहे हैं, वी आर लिसनिंग टू इट एंड वी आर एंजॉइंग इट सो मच दैट यू नो वी रियली वांट टू बी द पार्ट ऑफ दिस अंताक्षरी। हालांकि आप ही मौका हमें दे चुके हैं, बट यस, हम मॉमी को यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए आए हैं। शी इज प्लेइंग रियली गुड। इतना अच्छा लीड लेना कोई आसान बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। सो यस, शी इज प्लेइंग वेरी वेरी गुड। और ओपनिंग टीम को मैं कहना चाहूंगी कि अभी काफी सारा गेम बचा है, राइट? तो अभी इस गेम में आपके पास भी रिकवर करने का बहुत सारा मौका है। सो जो भी है अच्छे से खेलिएगा और एंजॉय कीजिए। देखिए, कमाल की बात और बड़ी बात ये है, आप लोग सुन रहे हैं, मैं अंदर हूँ, हम दोनों देख पा रहे हैं, यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, सपोर्टर्स है ना। ये जब फैमिली ड्रामा होता है, अंताक्षरी खेलते हैं घर में टाइम पास में, तो बहुत सारी गलतियां होती हैं, गा देते हैं जो गाना आया सो आया, वरना धुन पहचान के गा के निकल देते हैं। लेकिन यहाँ एक गलती नहीं होनी है, है ना, लिरिक्स का पूरा ध्यान रखना, इतने सारे लोगों के बीच में एकदम सही गाना गाना, ये बड़ा चैलेंजिंग है यार। यहाँ पर मैं ललित के लिए कहना चाहूंगी, नॉर्मली हम गाना गाते हैं और सारी लिरिक्स सही है, ललित जैसे अंताक्षरी खिलाते हैं ऐसा लगता है बस जिंदगी और मौत का सवाल हो रहा है। आपकी धड़कनें तेज हो जाती है आने वाले राउंड तक, आपको लगता है बहुत एनर्जी भी। तो भैया देखिए, ऐसा है कि यकीन करें जितने लोग पार्टिसिपेट करे हैं और जो फाइनल जीतने वाले हैं उनमें बहुत ज्यादा मेहनत है, तो मम्मी आपको बहुत बधाई हो, है ना। यहाँ तक पहुँचना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमने अपना खुद ने भी ट्राई किया है, बाजी का टीम से था हमें, हम लोगों को हार नसीब होती है। लेकिन एक चीज इस वक्त मैं कहना चाहूंगा, मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मॉमी एक बात पे बहुत खुश होती है, जैसे और मुझे पता है वो भी खुश होंगी। अच्छा, अगर उन्हें आप अमिताभ बच्चन की आवाज में कुछ बोल के सुना दे, भैया आ गया है, ताकि भैया कभी जीत तो नहीं है, अंताक्षरी चल रहा है भैया, तो मॉमी जो है भैया जीतेंगी, लेकिन जो चेक जो है वो भैया ललित जी की जेब से निकलेगा। बहुत ही बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां आरजे नीरज और आरजे प्रियंका के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, आप दोनों वक्त निकाल के यहाँ पर आए। तो मॉमी कैसा लगा आपको, आपसे मिलने के लिए? आरजे नीरज आरजे प्रियंका इस वक्त यहाँ पर मौजूद थे, आप अचानक से स्टूडियो के अंदर आ गए, बहुत बहुत अच्छा लगा। और आपको अच्छा लगता है वो जब आवाज निकालते हैं? Yes, I really loved it. चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा कि वो लोग आपसे मिलने आए, अब उनकी भी सपोर्ट आपके साथ जुड़ चुकी है। लेकिन इस बात को यहीं पर थामते हैं फिलहाल के लिए, बात करेंगे एक बार फिर से, मुझे देश की याद आ रही है, खासतौर पर जब भी मैं ईशा की तरफ देख रहा हूँ तो तिरंगा दिख रहा है वहां पर मुझे। हाँ, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो सवाल मैंने थोड़ी देर पहले ईशा से पूछा था, वही आपसे पूछता हूँ, इंडिया यानी हिंदुस्तान को आप मिस करते हैं? जी बिल्कुल, बहुत। क्या चीज है ऐसी जो सबसे ज्यादा आपको वहाँ की याद आती है? बहुत सारी चीजें हैं, वहाँ का क्लाइमेट बहुत जरूरी, यहाँ जो मैं बहुत मिस करती हूँ इंडिया का क्लाइमेट, खाना। हाँ जी, ईशा ने कहा पानी पूरी, सीरियसली आपको भी? हाँ, आई हैवंट फाइंड रसगुल्ला, आई डोंट लाइक स्वीट्स, बीइंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल आई डोंट लाइक स्वीट्स, दिस इज सीरियसली। मुझे लगा वहाँ पर रहने वाले सबको रसगुल्ला पसंद है। रसगुल्ला क्यों बोलते हैं? बिकॉज वो रस से भरा हुआ होता है, हमारे यहाँ भी होता है लेकिन हम उसे रसगुल्ला बोलते हैं। वो सिर्फ अ और ओ का डिफरेंस है, यू नो, हम बंगाली हर चीज में बड़ा वाला वैसा रहता है, ऐसा वाला हम बंगाली हर चीज में ओ यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ योर नेम इज अभिषेक, वी विल से अभिषेक। अच्छा, तभी आपका नाम मॉमी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा नाम मॉमी है। अच्छा चलो, देश की बात आ गई है, ईशा ने बहुत ही खूबसूरत एक जवाब दिया था थोड़ी देर पहले, अनेकता में एकता वाली बात कही थी। अगर मैं आपसे यही चीज पूछूं कि आपको बताना है, आई एम प्राउड ऑफ माय इंडिया बिकॉज एक्चुअली देयर आर लॉट ऑफ रीजंस टू बी प्राउड ऑफ इंडिया, और उनमें से मुझे लगता है कि द मोस्ट
One of the good reasons is our soldiers. I'm proud of my soldiers who are there in the border protecting us. So I'm really proud of my soldiers and I salute them. क्या बात है, इस बात के साथ हम चाहेंगे एक बार जोरदार जय हिंद होना चाहिए हमारे हमारे सभी सुनने वालों को, हमारे सभी जवानों के लिए जय हिंद। क्या बात है। चलिए अभी फिलहाल के लिए देशभक्ति का माहौल हो चुका है, इस माहौल को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक। बार बार मुझे यहाँ पर इंडिकेटर ऑन है, वो बार बार मुझे कह रहा है कि ब्रेक लेने का वक्त हो चला है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, फिर वापस लौटेंगे ऑलिव अंताक्षरी सीजन 1 के ग्रैंड फिनाले के अगले राउंड पर पहुंचेंगे और वहां से देखेंगे कि वहां का कारवा उसके बाद जो सजेगा आगे वो किस और रुख लेगा। इस वक्त हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद है टीम ईशा, टीम मॉमी, बहुत अच्छा खेल रहे हैं दोनों की दोनों और आगे ये जो फाइट है मुझे लग रहा है कि ये और टफ होने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप सुन रहे हैं कतर का नंबर 1 हिंदी एफएम रेडियो, रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मेरे यानी ललित के साथ ये है होम सारस प्रेजेंट्स ऑलिव अंताक्षरी सीजन 1 का ग्रैंड फिनाले। स्ट्रैटेजी की बात कर रहा था ईशा मैं, तो आपसे मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगा, थोड़ा सा थमते हैं फिर उसके आगे इस राउंड को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। स्ट्रैटेजी कितनी जरूरी होती है किसी भी चीज को जीतने के लिए, क्या लगता है? बहुत जरूरी होती है। आपकी टीम के इस वक्त 4 मेंबर्स आपके साथ बैठे हैं, आपको मिला के टोटल 5 लोग हैं। कुछ स्ट्रैटेजी तैयार की है आगे का, कैसे गेम प्लान आगे लेके जाना है? अभी 20 पॉइंट पर है, कैसे आपको लीड लेना है, क्या प्लानिंग है अभी? क्या चल रहा है फिलहाल? वही है कि बस मैं बजर दबाऊ टाइम से और 5 जन है, किसी न किसी को तो आंसर आ ही जाएगा। ओके, तो ये स्ट्रैटेजी है कि पहले बजर बजाने पे फुर्ती दिखाई जाए। हाँ जी, बहुत बढ़िया। टीम मॉमी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा आपकी इस वक्त पर स्ट्रैटेजी, वैसे तो हालांकि आप 80 पॉइंट से लीड कर रहे हैं अभी, लेकिन अभी भी 100 पॉइंट के लिए गेम जो है बाकी है, कुछ भी हो सकता है जब आपका जो ओपोनेंट है वो स्ट्रांग हो खासतौर पर, तो ऐसे में कोई स्ट्रैटेजी लेके चल रहे हैं आप या फिर फ्लो के साथ चलना चाह रहे हैं, जैसा होगा वैसा कर देखते जाएंगे? नहीं नहीं, दिमाग में स्ट्रैटेजी घूम रही है कि एटलीस्ट मुझे इतने राउंड्स तक इतने पॉइंट्स कमा लेने हैं एंड देन आई एम रिलैक्स्ड। ओके, तो मतलब अभी कुछ आगे का आपका है प्लान कि अगले राउंड में भी कुछ और पॉइंट्स कमा के फिर थोड़ा सा रिलैक्स आप कर सकते हैं? ओके, तो दोनों की ही जो सोच है वो अलग अलग, एक दूसरे से जुदा है, एक दूसरे से अलग अलग स्ट्रैटेजी पे खेल रहे हैं इस वक्त। ईशा तेजी दिखाना चाहती है, बजर पहले बजाना चाहती है, उसके बाद में इनके टीम मेंबर्स गाना गा देंगे, इतना ही कॉन्फिडेंट है। और मॉमी चाहती है पूरी स्ट्रैटेजी के साथ की गेम प्लान के साथ की कुछ और पॉइंट्स कमा के वो थोड़ी देर का ब्रेक ले सकती है, रिलैक्स हो सकती है उसमें। चलिए देखते हैं किसकी स्ट्रैटेजी काम आएगी। फिलहाल के लिए अगले राउंड की ओर बढ़ रहे हैं हम, जिसका नाम है थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। जी हाँ जी, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, लेकिन वही मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई कितने थोड़े की जरूरत है ये तो वक्त ही बताएगा। तो आप दोनों तैयार हैं? हाँ जी बिल्कुल। बहुत बढ़िया, आपकी ओर आती हुई थोड़ा है थोड़े की जरूरत है का पहला गाना आप ध्यान से सुनिएगा इस गाने को। आपको अगर लगता है कि इस गाने को मैं कहीं पर भी रोकता हूं वहां से आप कंटिन्यू कर पाएंगे, हाँ ये चीज बहुत जरूरी है कि जहां पर रुकेगा उसके आगे ही कंटिन्यू करना है, पीछे से आपको गुनगुनाते हुए नहीं आना है। Okay. ठीक उसी पॉइंट से आपको कंटिन्यू करना होगा इस गाने को, तो बेटर है कि आप मन ही मन में गुनगुनाएं ताकि आपको जहां पर रुके वहां से आप गा सकते हैं इसको। 10 सेकंड का वक्त रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, ऑल द बेस्ट। आपकी ओर आता हुआ पहला गाना। पल पल दिल के पास। आपको बता दूं टीम मॉमी ने पहले बजर बजा दिया है। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यार ये कहती हो। टीम मॉमी, टीम मॉमी, टीम मॉमी, मैं आपको कहना चाहूंगा कि यहां पर गाना जो है, गीत जो है वो गलत हो गया है। आपने जहां से शुरुआत की है उसके थोड़े आगे जाकर आपने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। वो गड़बड़ क्या है, अगर उस गड़बड़ को, उस गलत चीज को अगर टीम ईशा सुधार कर अगले 10 सेकंड में गाना गाना शुरू करें तो हो सकता है इस गेम में पहला पॉइंट उनको मिल जाए। टीम ईशा आपका वक्त शुरू होता है अब। तुम रहती हो हर शाम आंखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए, मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है मेरे दिल की।
धड़कन भी तेरे गीत गाती है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। भाई क्या बात है, टीम ईशा में खुशी की लहर दौड़ उठी है, मानो जैसे जैकपॉट हाथ लग गया हो, गजब। लेकिन बहुत ही अच्छी शुरुआत की है आपने ईशा और पूरी टीम ने, बहुत ही क्या सिंक में गाना गाया, ओए मजा ही आ गया। मतलब लगा नहीं कि गेम खेल रहे हैं, लगा कि वाकई में एक कॉन्सर्ट में बैठे हैं और गाना सुनने के लिए। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। फाइनली इस राउंड में आपकी शुरुआत हो गई है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मॉमी ने जो प्रेडिक्ट किया था वही होने वाला है? मॉमी ने पहले ही कह दिया था ईशा कि ये राउंड तो आपका ही है। मेरा भी वैसे रिकॉर्ड रहा है, स्टार्टिंग के दो राउंड में धीरे से जाने देती हूँ, फिर मैं आती हूँ अपना लीप लेती हूँ। तो या ये जो बदली हुई ईशा नजर आ रही है, जो पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, ये अच्छा लग रहा है देखकर, है ना? चलिए देखते हैं कि क्या ये मुकाबला और आगे टफ होने वाला है। अगले गाने के लिए तैयार है आप लोग? हाँ जी। तो इसी के साथ इस राउंड में, यानी कि थोड़ा है थोड़े की जरूरत है का अगला गाना कौन सा है वो सुन लेते हैं। आप लोग तैयार हो जाइए, अपने अपने बजर्स पर नजर रखिए और बजा बजा कर सही गाने के लिए तैयार रहिए। जवान जाने मन हसीन दिल, भाई क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। टीम मॉमी ने एक बार फिर से बजा बजा दिया। शिकार खुद यहाँ शिकार हो गया, ये क्या गजब हुआ, ये क्या गजब हुआ, न जानू मैं न जान, सॉरी कैन आई रिपीट? नहीं नहीं नहीं, मॉमी गाने में गड़बड़ हो गई है। और इसी के साथ, जैसा कि गेम का रूल कहता है, ये जो गाना है ये पहुंचता है टीम ईशा के पास। टीम ईशा आपस में लगी हुई है बातें करने में, सही गाना को याद करने में। लेकिन बता दूं कि आपके जो 10 सेकंड का समय है वो शुरू होता है अब। शिकार खुद यहाँ शिकार हो गया, ये क्या गजब हुआ, ये क्या जुलम हुआ, ये क्या गजब हुआ, ये कैसे कब हुआ, न जानू मैं न जाने वो। शिकार फिर से गा सकते हो? नहीं नहीं, ये क्या सितम हुआ, ये क्या जुल्म। इतना तो आप समझ ही गए हैं, इतना तो आप समझ ही गए हैं कि गाने में फिर से गड़बड़ हो गई है। तो इस तरह से मैं बता देता हूं कि ओके, जहां थे वहीं के वहीं मौजूद हैं अभी हम, क्योंकि इस गाने को दोनों ही टीम ने गलत गा दिया है। क्या बात है, एक बार तालियां हो जाए दोनों के लिए, बजा भी रहे हैं बताओ। है कोई बात नहीं, अभी भी मामला जहां था वहीं का वहीं है, तो किसी का कोई नुकसान भी नहीं हुआ, किसी को कोई फायदा भी नहीं पहुंचा। लेकिन हाँ, इसी के साथ हम अगले गाने की तरफ बढ़ जाते हैं जल्दी से और देखते हैं कि क्या आप उस गाने को सही पहचान कर, सही वक्त पर बजर बजा कर सही गाना गा पाते हैं या नहीं। तो चलिए सुन लेते हैं कि अगला गाना कौन सा है। जालिम है दिल की लगी, बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम, आ मेरी जिंदगी। हो आना ही पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी, आना ही पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी। वाकई में पता, बहुत जालिम है, इतनी जालिम है 10 पॉइंट दे गई आपको। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। एक बार फिर से टीम ईशा में खुशी की लहर दौड़ती हुई। क्या बात है मॉमी जी, क्या हो रहा है यहाँ पर? पता ही था कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी आप अभी, आपको लग रहा है कि हाँ अभी 80 पॉइंट्स की आपने लीड ली थी, उसके भरोसे थोड़ा सा बैठ सकते हैं? ऐसा तो नहीं है कि कहीं? नहीं नहीं, मैं भरोसे ही नहीं बैठने वाली। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि आपका रिलैक्स होना ये भारी पड़ जाए। नहीं नहीं, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा खेल रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां आपके लिए। क्या बात है, तालियों की गड़गड़ाहट में भी अब फर्क महसूस हो रहा है, पहले से ज्यादा पॉजिटिव तालियां बज रही हैं अब। चलिए, लेकिन अभी भी 3 गाने हो चुके हैं और इस राउंड का बंपर जो सवाल आने वाला है, बंपर गाना जो आने वाला है, जिसके सही जवाब देने पर या सही गाना गाने पर आपको 20 पॉइंट्स मिल सकते हैं, उसके लिए आप तैयार हो जाइए। मजा कली मजा मजा कली उड़ मटक कली
मसकली मसकली उड़ मटकली मटकली जरा पंख चटक करी डोर अटक तल लचक मचक के धोल अटक डगर डगर तू कर बस्ती तू कर बस्ती में उड़ डगर डगर तू उड़ बस्ती में। I knew this one. ये क्या हो गया यार, ये क्या हुआ? चलिए कोई बात नहीं, इसी के साथ ये जो राउंड है, पर्टिकुलर ये जो सवाल है, इसका सही गाना गाने का मौका टीम मॉमी को मिलता है अगले 10 सेकंड इनके पास से। देखते हैं कि क्या ये गाना सही गा पाएंगे या नहीं गा पाएंगे। आपका वक्त शुरू होता है अब। ए मसकली मसकली उड़ मटकली मटकली ए मसकली मसकली उड़ मटकली मटकली जरा पंख चटक दूर पटक। किसको किसको पटकने की बात होगी? ये क्या हो गया? जबरदस्त था, ये था, ये हाईलाइट है आज के शो का। जरा क्या, किसको पटकने की बात हुई? दूर पटक। मजा आ गया कसम से। अरे 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 मजा आ गया, सीरियसली मजा आ गया। मजे की बात ये कि किसी को भी पॉइंट नहीं। एक बार फिर से अपने लिए ताली बजा लो यार। बहुत ही बढ़िया खेल रहे थे आप। पता नहीं मसकली बीच में कहां से आ गई, किसी ने पटक दिया, किसी ने पता नहीं क्या करा बीच में, झटक दिया, मसकली की हालत खराब हो गई। अच्छी बात यह है कि अभी कोई नफा नुकसान में नहीं है, जो जहां थे वो वहीं रुके हुए हैं। यानी कि इस राउंड में टीम ईशा ने 2 सही गाने गाकर 20 पॉइंट्स कमाए हैं और टीम मॉमी बधाई हो, एक भी गाना आपने सही नहीं गाया। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए एक बार फिर से पॉइंट्स टेबल पर नजर डाल ली जाए कि 3 राउंड के खत्म होने के बाद में इस वक्त क्या कहती है ये पॉइंट टेबल। ये पॉइंट टेबल कहती है कि इस वक्त टीम ईशा जो है वो 40 पॉइंट्स पर है, 40 पॉइंट्स पर है, और टीम मॉमी जिसने बहुत ही समझदारी से खेलते हुए, बावजूद इसके कि आपने अभी इस राउंड में एक भी सही जवाब नहीं दिया है, वही वाह क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, अभी भी 40 पॉइंट से आप लीड कर रहे हैं। ओए होए 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 होए, बहुत बढ़िया। एक बार दोनों ही टीम्स अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। तो मैं कहना चाहूंगा टीम ईशा को कि हालांकि इतने अभी पीछे चल रहे हैं, लेकिन लास्ट का जो राउंड है वो 50 पॉइंट्स का है। आपके तमाम चाहने वाले इस वक्त सुन रहे हैं, तमाम चाहने वालों की दुआएं आप लोगों के साथ में हैं। बहुत अच्छा आपने इसमें कमबैक किया है, मैं कहूंगा ऐसे ही आगे के राउंड में भी आप कमबैक करें। और टीम मॉमी, अब अगले राउंड में आपको कुछ और पॉइंट्स की अगर बढ़त लेते हैं तो आप विनर बन सकते हैं, मतलब जीत आपके बेहद करीब है। तो अभी आप दोनों ही तैयार हो जाए अगले राउंड के लिए। चलिए थोड़ी सी मसकली को याद करते हैं फिर से। 3, 2, 1। ए मसकली मसकली उड़ मटकली मटकली ए मसकली मसकली उड़ मटकली मटकली। क्या बात है, मसकली उड़ गई, बहुत ही बढ़िया, उड़ गई। दिल्ली 6 से सुन रहे थे आप ये गाना, राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने ये क्या तो फिल्म बनाई थी भाई साहब। और इस गाने के, यानी कि इस फिल्म के सारे गाने उस साल के सबसे बड़े ब्लॉकबस्टर हिट थे, मुझे अभी भी याद है। क्या बात है यार, क्या तो साल था वो। ओए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल तो अगर पॉइंट्स टेबल पर नजर डालूं तो मॉमी जी अभी भी 40 पॉइंट्स आप लीड कर रहे हैं, ईशा 40 पॉइंट्स पर आ गए हैं। और अगला जो राउंड है, यानी कि अब जो हम खेलने वाले थोड़ी देर के अंदर, ना तुम जानो ना हम, 50 पॉइंट्स के लिए रहेगा। तो काफी सारी चीजें बन के नजर आ रही है मेरे को। अगर 50 पॉइंट्स के लिए अगर आप खेल जाती हैं ईशा, तो आप 90 पॉइंट्स पर पहुंच जाती हैं, जो कि बहुत बड़ी बात होगी और जीत आपके हाथ होगी। क्या बात है, क्या तो डायलॉग मारा है। लेकिन मॉमी आप, क्योंकि 40 पॉइंट्स ऑलरेडी आपके पास में है, तो अगर अगले 2 भी सवाल आप सही बता देते हैं, सही जवाब दे देते हैं आप, तो जीत आपके बेहद करीब आ जाएगी। ठीक है, तो मैं आप दोनों को कहता हूं ऑल द बेस्ट। लेकिन क्योंकि अगले राउंड पर पहुंचना है, तो उससे पहले मैं चाह रहा था एक गाना आपकी तरफ से, मुझे लगता है कि मुझे आपको रिक्वेस्ट करना चाहिए, एक पैट्रियोटिक सॉन्ग हो जाए, क्योंकि अभी भी वो इंडिपेंडेंस डे का फ्लेवर जो है वो अभी भी बरकरार है। अभी भी ईशा वो दुपट्टे में है, वो तिरंगे वाले में, ओए माहौल बन रहा है भाई साहब यहां पर। वैसे ईशा के जो सपोर्टर्स है ना, एक जो सपोर्टर है वो केसरिया रंग का टॉप पहन के आए हैं यहां पर, एक सपोर्टर जो है वो व्हाइट कलर का शर्ट पहन के आए हुए हैं, ग्रीन की कमी रह गई है बस। अच्छा, वो आपके दुपट्टे में तो पूरा ही तिरंगा, क्या बात है। अच्छा, सपोर्टर से बात करते हैं जो आपके साथ में आए, क्या लग रहा है? अब ऐसे मुझे पता है आप अपनी टीम के बारे में बोलेंगे, लेकिन फिर भी हिमांशु से पूछते हैं। हिमांशु सच्ची सच्ची बताना यार, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब ईशा आपकी है तो मतलब ऐसा नहीं, लेकिन सच्ची सच्ची बताइए क्या लगता है क्या होगा अगले राउंड के अंदर? नहीं, ये हम ही जीतने वाले हैं क्योंकि इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है। क्या बात है, आप क्या कहते हैं अनिरुद्ध? टफ चल रहा है कॉम्पिटिशन, बट लाइक
अभी तक जितना भी हुआ है गेम पहले भी हम लोग लास्ट राउंड काफी अच्छी तरह जीते हैं, सो वी आर कॉन्फिडेंट। मतलब अच्छा सा आपने जो लास्ट राउंड के अंदर कवर अप किया उस चीज को, बहुत बढ़िया। सौरभ आपसे पूछते हैं भाई, इन्होंने तो बोल दिया, हालांकि मैंने कहा था ईमानदारी से बोलना है, लेकिन आप बताइए, सच्ची सच्ची बताइए। स्टिल मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, और एक ही वर्ड है, नथिंग इन इंग्लिश, आई थिंक इट इज इन स्पेनिश, पसीतो पसीतो, स्टेप बाय स्टेप, वी विल सी। पसीतो पसीतो अच्छा है, नहीं क्या क्या मतलब बताया आपने इसका? स्टेप बाय स्टेप। ओह, अभी से हमें जब सीढ़ी से उतरना है तो पसीतो पसीतो ऐसा। ओह वाह, ये अच्छी चीज है, गुड यार। रश्मि आप बताए, क्या लगता है आपको? सच्चा सच्चा बताना, जो दिल आपका कहता है वो बताना। मुझे लगता है कि जो भी जीते है उसमें तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, लाइक इवन इफ दे विन, इवन इफ वी विन, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। आपको पॉलिटिक्स में जाना चाहिए था। आई एम प्लानिंग एक्चुअली, है ना? यू आर वेरी राइट। चल, लेकिन मैंने कहा था दिल से बोलना, क्या बात है, बहुत बढ़िया। दोनों ही टीम बहुत ही पॉजिटिव है अपनी जीत को लेकर। थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि कौन बनेगा विनर ऑलिव अंताक्षरी सीजन 1 के ग्रैंड फिनाले का। ये पहली दफा जो ग्रैंड फिनाले हो रहा है, पहली दफा जो ऑलिव अंताक्षरी हो रहा है, पहली दफा ये जो सब हो रहा है, इसका पहला विनर कौन बनेगा थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था मम्मी जी कि एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना हो जाए आपसे, देशभक्ति। जी बिल्कुल। मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सब का, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। वाकई में काफी इमोशनल सा जो है ना, एक माहौल सा बना दिया यहाँ पर, एक बार यहाँ बैठे बैठे कतर की धरती पर बैठे बैठे हिंदुस्तान की याद दिला दी है। वाकई में बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत गाया है मम्मी जी आपने। और चलिए इसी बात के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, आगे की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या प्लानिंग रहेगी, थोड़ा सा इनको डिस्कस करने देते हैं। इस बीच में आप कुछ अपनी पसंद के और गाने सुन लीजिए, तब तक वापस जब लौटेंगे तो एक बार फिर से ऑलिव अंताक्षरी सीजन 1 के ग्रैंड फिनाले का आखिरी राउंड, जिसका नाम रहेगा ना तुम जानो ना हम, उसकी शुरुआत करेंगे। देखते हैं क्या लिखा है आगे किस्मत में। आपकी टीम भी बहुत जबरदस्त आप लोग लेकर आए हैं आज, तो चलिए मैं इस राउंड के बारे में आपको बता देता हूँ। इस राउंड का नाम है ना तुम जानो ना हम। बिल्कुल सही, ना तुम जानो ना हम, क्योंकि इनमें से ना ये जानते हैं ना मैं जानता हूँ कि क्या आने वाला है, सिर्फ कंप्यूटर जानता है। और कंप्यूटर बताएगा हमें एक ऐसी सिचुएशन, जिस सिचुएशन पर आपको गाना गाना होगा। आसान इस तरह से ये हो जाता है राउंड कि एक ही सिचुएशन पे कई सारे गाने हो सकते हैं। मुश्किल इस तरह से हो जाता है जब वो 10 सेकंड का टाइमर चलता है, तो वहां पर अच्छे से अच्छे सिचुएशन भी गड़बड़ा जाती है, राइट? तो चलिए तैयार हैं आप दोनों? जी बिल्कुल। देखते हैं क्या होने वाला है, आप भी तैयार हो जाइए। कौन सी सिचुएशन आएगी वो सुन लेते हैं, बजर्स पर नजर रखिए, और अगर पहचान जाए तो सही गाना गाकर 10 पॉइंट कमाइए। ऑल द बेस्ट। आपकी ओर आती हुई आज की पहली सिचुएशन। ऑलिव अंताक्षरी में आपकी सिचुएशन है एक ऐसा गाना
जो प्रेमिका प्रेमी के लिए गा। भाई क्या बात है, ईशा ने बजर बजा दिया है, बहुत ही बढ़िया सिचुएशन। आई डोंट नो ये पूरी तरह से सुन पाए हैं या नहीं सुन पाए हैं, लेकिन क्योंकि आपने बजर बजाया है ईशा, आखिरी बार भी यही हुआ था, लेकिन उम्मीद करते हैं आज क्योंकि बहुत चेहरे पे मुस्कुराहट दिख रही है तो पहचान गए हैं। चलिए 10 सेकंड का समय शुरू होता है और देखते हैं कि आप सही गाना गाते हैं या नहीं। बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी, तेरी नींद उड़े उड़ जाए, गजरा बहकेगा, गजरा महकेगा, यारी तट दिए ते तट जाए, बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी। भाई गाना बहुत अच्छा गाया आपने, मैं कहूंगा एक बार फिर से दिल लग गया गाने में। लेकिन, नहीं, आप आगे लेकिन, बोले मत। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस गाने में यानी इस सिचुएशन में, इस गाने के अंदर क्या हो रहा है, ये लड़की क्या कह रही है, या मुझे समझाएं थोड़ा। एक प्रेमिका अपने प्रेमी को रिझा रही है, आई फील वो सिचुएशन में वही बोल रहे थे। आप श्योर है कि वही बोल रहे थे या कुछ और था आगे? पता नहीं, आप बोलिए अब। चले हम सिचुएशन सुन लेते हैं और फिर इनके गाने को मैच करते हैं कि क्या इन्होंने इस गाने को सही गाया है। आप सब भी सुनिए सिचुएशन। ऑलिव अंताक्षरी में आपकी सिचुएशन है एक ऐसा गाना जो प्रेमिका प्रेमी के लिए गाए। आपको सुनाई दे गया था वैसे क्या, या आपने कहा कि अब तो गा ले बेटा? वैसे बोले थे तो मुझे अंदाजा लग गया कि शायद के लिए होगा। हाँ। लेकिन अगर थोड़ा सा सेकंड पहले आप बजा देते तो तब क्या होता? तो मैं कॉन्फिडेंटली गाती थी। क्या बात है, बहुत ही डेंजरस था ये वाला, तो तूफानी था, लेकिन हाँ बताना चाहूंगा बहुत ही अच्छा आपने गा लिया है। टीम ईशा, इस राउंड की शुरुआत आपने कर दी है, 10 points इस राउंड में आपको मिलते हैं। मॉमी जी अभी हालांकि आप लीड कर रहे हैं फिलहाल 30 points से, लेकिन अगली सिचुएशन कौन सी है ये सुन लेते हैं और फिर देखते हैं कौन उसका सही जवाब देता। तैयार है आप दोनों? आप दोनों के ही पास आती हुई अगली सिचुएशन। ऑलिव अंताक्षरी में आपकी सिचुएशन है एक ऐसा गाना जिसमें किसी शहर, राज्य या देश का नाम आता हो। टीम ईशा आपने बजर बजा दिया है, बहुत ही बढ़िया। चलिए सिचुएशन आपने सुन ली है, 10 सेकंड का जो आपका समय है वो शुरू होता है अब। मुंबई से गई पूना, पूना से गई दिल्ली, दिल्ली से गई पटना, फिर भी न मिला सजना, फिर भी न मिला सजना, हम है रही प्यार के, हम है रही प्यार के, हम है रही प्यार के, हम है रही प्यार के। ये 90s में आई थी ना फिल्म? हाँ, बहुत पहले आई थी फिल्म, तब तो छोटे छोटे हो गए। हाँ, याद है कौन हाँ, था इसमें? जूही चावला और आमिर खान। ओए ओए ओए, उनके साथ में काफी सारे बच्चे भी थे ना? हाँ, 3 बच्चे। कुणाल खेमू था उसमें? क्या बात है, मुझे लगा वो चारों बच्चे यहाँ आ गए। बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, 10 points और आपने कमा लिए हैं। मॉमी जी ये जो फासला है, कहीं ऐसा तो नहीं है यहाँ मुझे आज टाई ब्रेकर की गुंजाइश होती नजर आ रही है? क्या होने वाला है आगे? 40 पॉइंट्स की लीड जो थी वो 30 पॉइंट्स में कन्वर्ट हुई, 30 पॉइंट्स की जो लीड थी वो 20 पॉइंट्स पर आ गई है। कम से कम भी एक तो सही जवाब आपको देना होगा। जी। तैयार हैं? जी। अगली सिचुएशन के लिए तो आप तक आती हुई अगली सिचुएशन, आपको एक ऐसा गाना गाना है जिस गाने में विसल या सीटी का इस्तेमाल हुआ। भाई क्या बात है, ईशा ने एक बार फिर से बजर बजा दिया है। ईशा 10 सेकंड का आपका समय शुरू होता है अब। मुझे सही आज मुझे कचुरा ले, देखूं फासलों में तू है के नहीं, सांस में तू मुझे संभाले, देखूं फासलों में तू है के नहीं, तू है के नहीं, तू है के नहीं। ईशा 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 ईशा, गाना फिर से आपने बहुत अच्छा गाया, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि गाने के जो लिरिक्स हैं वो गलत हो गए, गीत जो है वो गलत हो गए हैं, और इस तरह से बाय डिफॉल्ट ये जो गाने गाने की जो सिचुएशन है, बेसिकली मौका है, वो टीम
मॉमी के पास जाता है। आपका 10 सेकंड का समय शुरू होता है। अब आपको यही गाना सही तरीके से गाना है। मॉमी जी 10 सेकंड का वक्त आपका पूरा हो चुका है और आप नहीं गा पाए हैं, तो इस तरह से किसी का नुकसान भी नहीं हुआ और किसी का नफा भी नहीं हुआ। जो जहां था वो वहीं का वहीं फिलहाल रुका है 20 पॉइंट से। अभी भी आप लीड कर रहे हैं, लेकिन अगली जो सिचुएशन है वो भी 20 पॉइंट्स के लिए है। तो अगर बाय चांस ईशा ने उस गाने को सही गा दिया तो आप दोनों के जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट टेबल पर इक्वल हो जाएंगे, मतलब कि फिर हम टाई ब्रेकर पर पहुंचेंगे। अब तो कर। और अगर ईशा ने गलत गाया, आपने सही गाया या आपने पहले सही गाया, तो क्लियर विनर हमें मिल जाएगा। भाई क्या बात है, इस वक्त मैं आपको बता दूं स्टूडियो के अंदर अचानक से डोर खुला है और हमारे साथ में आरजे सिमरन, आरजे प्रियंका इस वक्त मौजूद है। मेरे ख्याल से नीरज भी बाहर से देख रहा है, तो वो भी अंदर आने वाला है। जोरदार तालियां हो जाए क्योंकि आप दोनों अभी अभी अंदर आए हैं। तो मैं आपको बता दूं क्या सिचुएशन यहां पर चल रही है। यहां पर हालात ऐसे हो चुके हैं कि मॉमी जो थी वो क्लियर 80 पॉइंट से लीड कर रहे थे कुछ वक्त जवाब आए थे, फिर आपने इन्हें सपोर्ट किया जी। फिर उसके बाद अभी ये हो गया है कि वो 20 पॉइंट से लीड कर रहे हैं। यस, लेकिन अभी जो सवाल आने वाला है वो बम्पर सवाल है, वो 20 पॉइंट के लिए है। तो क्या क्या हो सकता है? हो ये सकता है कि अगर ईशा ने सही जवाब दे दिया तो वो जो 20 पॉइंट की लीड है वो खत्म होगी, दोनों इक्वल पॉइंट्स पर आ जाओगे और हम टाई ब्रेकर की ओर मूव करेंगे। और अगर आपने सही जवाब दे दिया तो आप क्लियर विनर बन जाएंगे। तो मतलब कि कतर के इतिहास में रेडियो ऑलिव पर ऑलिव अंताक्षरी सीजन 1 के ग्रैंड फिनाले में हमें फाइनली हमारा विनर मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया। तो चलिए हमारे आज की इस आखिरी सिचुएशन, हमारी ना केवल आज की बल्कि ऑलिव अंताक्षरी के सीजन 1 की आखिरी सिचुएशन के लिए तैयार हैं आप। बजर्स पर नजर रखिए, सही जवाब पता हो तो तुरंत गाइए, ठीक है? चलिए ऑल द बेस्ट। ये आखिरी सिचुएशन आती हुई आप तक। ऑलिव अंताक्षरी में आपकी सिचुएशन है रेडियो ऑलिव का जिंगल। भाई क्या बात है, मॉमी ने पहले बजर बजा दिया है यहाँ पर और आपका 10 सेकंड का समय शुरू होता है अब। जिंदगी प्यारी होती है यारों के साथ, किस्में गजाइन होते लम्हे हसीन होते हैं राजदारों के साथ। इन हसीन पलों को होरक में भर ले जो खास है उन्हें। मॉमी जी क्योंकि मैं रेडियो ऑलिव से हूँ, मैं रेडियो ऑलिव से बहुत लगाव है मुझे, जुड़ाव है मुझे, तो थोड़ी सी तो गड़बड़ हो गई है, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। अगर उस गड़बड़ को सही करके टीम ईशा इस गाने को, इस जिंगल को, हमारी अंतम को अगर ये गा देंगी तो आज ये इस मुकाबले को इक्वल कर पाएंगी और आपका 10 सेकंड का समय शुरू होता है अब। जिंदगी प्यारी होती है यारों के साथ, लम्हे हसीन होते हैं राजदारों के साथ, इन हसीन पलों को ओक में भर लो जो खास है उन्हें फिर खास कर लो। भाई क्या बात है भाई, बहुत ही बढ़िया। ये क्या हो गया मॉमी जी, टाई ब्रेकर पर पहुंच गए हैं हम। ये फुल फिल्मी स्टाइल में टाई ब्रेकर पर हम फाइनली पहुंच चुके हैं। अब इस टाई ब्रेकर में जो जीतेगा वो आज का विनर बन जाएगा। लेकिन इस टाई ब्रेकर का फैसला कैसे करें? इस टाई ब्रेकर का फैसला हम करेंगे धुन साहिबा धुन से। जी हाँ, वो धुन जो कि हमारी पर्सनल फेवरेट है, वो राउंड हमारा जो पर्सनल फेवरेट है वो डिसाइड करेगा कि आज का विनर कौन बनेगा। चलिए सुनते हैं, तैयार है वैसे टाई ब्रेकर के लिए? जी बिल्कुल। मम्मी जी आपको थोड़ा सा भी अंदाजा था कि ऐसा हो जाएगा, कहाँ 80 पॉइंट्स की लीड और कहाँ हम टाई ब्रेकर पर इस वक्त मौजूद हैं? जी थोड़ा थोड़ा अंदाजा था। ईशा क्या जबरदस्त कमबैक किया आपकी टीम ने, लेकिन आप कॉन्फिडेंट है टाई ब्रेकर में? हाँ बहुत बहुत कॉन्फिडेंट। चलिए, तो ऐसा जो कि कभी पहले हुआ नहीं और पहली दफा ही सब कुछ ही हो जाएगा, टाई ब्रेकर भी आज हो जाएगा यहाँ पर, उसकी धुन सुन लेते हैं जो कि हमें देगी हमारा आज का पहला विनर।
Come on, guys. Buzzer pe haath rehna chahiye because this is all about buzzer. Yes. जैसा कि प्रियंका ने आपको बोला है कि आपको बजर पर हाथ उसके आसपास रखिए। वाकई में माहौल जो है वाकई गर्मा रहा है इस वक्त, ठीक है, टेंशन वाला माहौल है, लेकिन इन सब चीजों को मैं कहूंगा कि सबको साइड में रख दीजिए इस वक्त। मान के चलिए कि फ्रेश स्टार्ट है, वो पहला पॉइंट है जहां पर आप 10 पॉइंट की लीड ले रहे थे या इक्वल कर रहे थे उस टाइम, ठीक है। ये जो धुन आपकी ओर आ रही है बहुत इंटरेस्टिंग धुन है, हम इस पर गाना भी गाएंगे बाद में, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि क्या आप गा पाएंगे या नहीं। ऑल द बेस्ट आपकी ओर आती हुई इस टाई ब्रेकर की ये पहली और आखिरी धुन। तो भैया तो फुल फिल्मी स्टाइल में टीम मॉमी ने पहले बजर बजा दिया है, क्या अगले 10 सेकंड में इस धुन को पहचान पाएंगे या नहीं, आपका समय शुरू होता है अब। तेरू काला चश्मा जचदाए गोरे मुखड़े में, तेरू काला चश्मा जचदाए गोरे मुखड़े में। देखिए एक बात से तो मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ कि वाकई में जचता है, ठीक है ना, गोरे मुखड़े पे काला चश्मा जचता है, लेकिन ये नहीं जचा, ये नहीं जचा बिल्कुल भी, गाना गलत हो गया है। और क्या हो रहा है आज यहाँ पर, ऐसा लग रहा है कि मानो कोई ब्लॉकबस्टर फिल्म का एक क्लाइमैक्स आ चुका है। टीम ईशा आपका 10 सेकंड का समय शुरू होता है अब। सड़कों पे चले जब लड़कों के दिलों में तो आग लगा, क्या बात है, मतलब तो तूफान मचाया, मतलब आपने गदर गदर। अरे स्टार्ट नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब यहाँ तो भाई साहब ये तो वर्ल्ड कप याद आ रहा है मुझे यार फुटबॉल का, ये हो क्या रहा है यहाँ पर। दोस्तों दोनों ही टीम्स को बराबरी का मौका मिला था इस टाई ब्रेकर में जीत हासिल करने का, लेकिन दुर्भाग्यवश अनफॉर्चुनेटली दोनों ही टीम्स इस गाने को सही तरीके से पहचान कर सही तरीके से नहीं गा पाई है। इसका मतलब टाई ब्रेकर में भी राउंड टू, क्या बात है, जोरदार तालियां आप सभी के लिए। तो चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं। भाई देखिए मेरे दिल की धड़कनें और मत बढ़ाइए, बहुत कमजोर है दिल, ऐसा ना हो कि मैं बाद में शो करने से रह जाऊं, थोड़ा सा मेरे ऊपर भी दया कीजिए। टाई ब्रेकर वन के बाद टाई ब्रेकर टू जो कि होता नहीं है अक्सर, लेकिन यहां पर यह भी हो रहा है, तो देखते हैं कि क्या इस धुन में हमें मिल जाएगा ऑलिव अंताक्षरी सीजन वन ग्रैंड फिनाले का हमारा सबसे पहला विनर। तैयार हो जाइए आप तक पहुंचती हुई टाई ब्रेकर की, उम्मीद करते हैं कि फाइनल धुन, क्या बात है। टीम ईशा ने एक बार फिर से बजर बजा दिया है और उनका 10 सेकंड का जो समय है वो शुरू होता है अब। तूने मुझे पहचाना नहीं, जाना मैं कोई अनजाना नहीं। टीम ईशा ये धुन जो है ना, ये पता आपसे क्या कह रही है, ये कह रही है कि तूने मुझे पहचाना नहीं। टीम ईशा ये क्या कर दिया आपने, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, देखते हैं कि हमें आज का हमारा विनर इसी वक्त मिलेगा या नहीं। टीम मॉमी आपका 10 सेकंड का समय शुरू होता है अब। ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना। नम जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना सनम। भाई क्या बात है, फाइनली रेडियो ऑलिव और कतर के इतिहास में हमें मिल गया है हमारा पहला ऑलिव अंताक्षरी सीजन वन का विनर टीम मॉमी के तौर पर। कॉन्ग्रेचुलेशंस मॉमी, मॉमी मॉमी मॉमी, क्या मूवमेंट है, क्या मैच था, क्या तो ये जीत है, कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे, क्या कहेंगे, क्या चल रहा है इस वक्त दिल में? एक्चुअली इस फीलिंग को एक्सप्रेस करना इट्स वेरी टफ, इट्स वेरी वेरी टफ, मेरे हाथ अभी भी कांप रहे हैं, आई एम शिवरिंग, हम देख पा रहे हैं वाकई में। इट्स रियली, इट वाज अ वेरी थ्रिलिंग एंड एक्साइटिंग मैच, आई एम वेरी वेरी हैप्पी, आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू, सीरियसली आई एम ओवरवेल्म्ड। वाओ सौरभ, अगेन आई एम रिपीटिंग ऑन माय सेम वर्ड्स, पसीतो, आई बिलीव इन दिस, क्या बात है, क्या कहना चाहेंगे टीम ईशा के बारे में, बहुत टफ फाइट दी थी उन्होंने। यस, वेरी वेरी गुड टीम एंड वेरी स्ट्रांग टीम, सीरियसली वाकई में स्ट्रांग टीम। टीम ईशा
कैसे इस मोमेंट को डिस्क्राइब करेंगे, अभी जो भी कुछ हुआ कैसे एक्सप्लेन करेंगे इस चीज को? पता नहीं मैं क्या बोलूं, आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ आ जाएगा मेरे को, लेकिन फिर लास्ट में थोड़ा गड़बड़। इवन वो काला चश्मा मेरे को आता है, हर बार गाती हूँ, गुनगुनाती हूँ, लेकिन फिर आई डोंट नो यहाँ पे ये सीट में वो कुछ हो गया प्रेशर में इतना हो गई मैं तो हुआ नहीं मेरे से, लेकिन आई हैड अ ब्लास्ट, बहुत मजा आया। हमें भी बहुत मजा आया। मम्मी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? शी इज टू गुड, मतलब उन्होंने स्टार्टिंग से जो लीड लिया था मैं तब तो बहुत नर्वस हो गई थी, लेकिन देन टीम का सपोर्ट इतना रहा, आई वाज लाइक हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, एंड देन मैंने आई कैन से मैंने भी अच्छा टक्कर दिया था, मानते हैं बिल्कुल। और फाइनली चलते चलते रेडियो ऑलिव की इस ऑलिव अंताक्षरी सीजन वन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, ब्रीफ में आप बताएं। सीरियसली रेडियो ऑलिव अंताक्षरी इट इज अ प्लेटफॉर्म वेयर इन यू नो हम जैसे जो घर में गुनगुनाते हैं इनको ऐसे चांस दिया जाए जो कि जैसे अंताक्षरी होती है अपनों को मिलाती है। या सो एक्चुअली हाँ और मैंने ये सीरियसली ये जो ये बोल रहे हैं इस चीज को मैंने एक्सपीरियंस किया है, बिकॉज यू नो बाकी के लास्ट टू एपिसोड्स में मैंने ऑलरेडी मेरे दो फ्रेंड्स बन गए हैं मोक्षा एंड सुतापा, एंड नाउ इन दिस एपिसोड आई गॉट माई फ्रेंड ईशा, सो एक्चुअली ऑलिव अंताक्षरी हैज रियली हैज डन वेरी गुड जॉब। चलिए बहुत बढ़िया, विदा लेने का वक्त आ गया भाई, हमें तो हमारे विनर मिल गए, इनफैक्ट कतर को उसका पहला विनर मिल चुका है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। कतर थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए, क्योंकि चलते चलते इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट कर रहे थे तो हम चाहेंगे चलते चलते कुछ देशभक्ति का गाना ऐसा होता हुआ माहौल बनाते हुए हम स्टूडियो से बाहर निकले। कंधे कदमों से कदम मिलते हैं हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं, कंधों से बनते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। जियो बिंदा जी, आप भी सुनते रहिए रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मेरे यानी ललित के साथ जियो बिंदा।